फाइनली बात हो चुकी है, वो वहाँ पे फैक्ट्री थी जहाँ वो पिकअप खड़ी है ना उधर थी। मेरे को मन किया कैमरा ऑन करके बोलने का कि यहाँ पहुँच गया मैं। ये क्या हुआ कर रहा है? क्योंकि यार मेरे को अच्छा लगता भी, मेरे को ऐसे देखे ना तो मेरे को थोड़ी शर्म आती है सबके सामने बनाने में वीडियो, लेकिन बनाने भी तो आया। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय 165 व्लॉग। सो गाइस, कल भी ऐसे व्लॉग स्टार्ट हुआ था, आज भी ऐसे हो रहा है। दुकान पर मैं सामान नींबू पानी लेने, क्योंकि गर्मी हो रही है दोपहर के 12:05 हो रहे हैं, तो गर्मी लग रही है तो नींबू पानी ले लेते हैं। नींबू पानी पियेंगे, अरे तो नींबू पानी पियेंगे। और भैया गए हुए हैं, जैसे कल बताया था, कल आए थे भैया, तो कल भी एक नंबर प्लेट लगाई थी ना, तो आज सुबह वही नंबर प्लेट लगाई थी पीछे वाली। और कल रात इतनी तेज बारिश आ रही थी ना, मैं भैया बाहर ही सो रहे थे बेड़े में, तो इतनी तेज बारिश आ गई, फटाफट ढूंढना पड़ा 3 बजे। और सारी नई गाड़ी खराब होगी, बस सुबह उठ के साफ करी सारी, उस चीज़ की वीडियो नहीं बनाई मैंने, बस सब गया दुकान। तो गाइस ले लिया है नींबू पानी और अब जा रहा हूँ। तो यार गाइस, मैंने वीडियो तो बनाई थी गाड़ी साफ करते हुए, इतनी गंदी गाड़ी उठती है आपको दिखाने से, मैंने कितनी गंदी गाड़ी हुई हुई है। लेकिन यार गुस्से में ना, अभी गुस्से में नहीं, मतलब कि मूड खराब हो रखा था, नई नई गाड़ी थी है, मैं तो बिल्कुल मिट्टी भी नहीं गिरने देता था, उसके ऊपर बारिश गिर के ना सारे दाग दाग से पड़ गए हैं गाड़ी के ऊपर। कपड़े से तो साफ किया लेकिन वो शाइन नहीं आ रही ना नई गाड़ी में आती है। तो बस यार पहुँच चुका हूँ अब घर पर, इतने नींबू पानी और मैं अब दुकान जा रहा हूँ, तो उसके चीज से वीडियो बनाऊंगा, तो पीते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं साईं जी के मंदिर में, जा रहे हैं पैदल। A few moments later. तो गाइस अभी मैं मंदिर से आ गया घर पे, तो अभी बज रहे हैं 3:30। तो यार आके बस सीधा कुछ बनाया नहीं था, मंदिर मंदिर की वीडियो बनाई है, उसके बाद सीधा आके बैठ के घर पे और आके खाना वगैरह खाया। और मतलब कि मम्मी ने तो वहीं पे खा लिया था, लंगर था हो रहा था, भंडारा हो रहा था, तो मम्मी ने वहीं पे खा लिया, वहाँ तो हर रोज ही होता है डिनर, रात चलते ही रहता है लंगर, तो मम्मी ने वहीं खा रहे थे, मेरे को भूख नहीं थी उधर, तो मैंने घर पे आके खा लिया। और 3:25 हो चुके हैं अभी, लगभग 3:30, तो अभी नहाना भी है क्योंकि इंस्टीट्यूट जाना है ना, तो यार फटाफट नहाते हैं। और सोचता हूँ फ़ोन ऐसे रखे करो पीछे को ताकि सब कुछ दिखता रहे, मैं रखता हूँ ऐसे और ऐसे, पता नहीं मेरे को ऐसे मेरे हाथ से दर्द होने लग जाता है, आदत नहीं है ना अभी, ये दर्द होने लग जाते हैं हाथ से, लेकिन ऐसे में दूर का सब दिखता है बिना वाइड के ये, तो वाइड में तो देख लो कितना अच्छा देखे, लेकिन वाइड में बना नहीं सकता, वाइड में लैग लूग होता है ना, और ज़्यादा ऐसे दूर से बनाऊँगा तो बंदे अगर देखेंगे भी कि क्या करे जा रहा है, तो ऐसे करूँगा तो बंदा को लगा कि चल फ़ोन में बात कर रहा है, क्योंकि यार मेरे को अच्छा लगता भी, मेरे को ऐसे देखे ना तो मेरे को थोड़ी शर्म आती है सबके सामने बनाने में वीडियो, लेकिन बनानी भी तो है। तो 3:25 हो गए हैं, गर्मी लग रही है, और दूर तो बहुत हो रही है, थोड़ी देर तक नहाता हूँ मैं और थोड़ा चलते हैं बाहर को देखते हैं, बाहर तो क्या देखूँगा गर्मी इतनी हो रही है। तो फिर आए हम बाहर थोड़ा सड़क के पास, पेड़ के नीचे खड़ा हूँ और पीछे गाड़ी खड़ी है नई वाली, देखो यार इसमें देख नहीं रहा होगा लेकिन गंदी बहुत हो चुकी है गाड़ी, कल बारिश आई थी ना उसकी वजह से बहुत गंदी हो चुकी है गाड़ी। और पीछे का नंबर भी लगा दिया है, आगे का तो लगा ही दिया था कल, वो आपको बता ही दिया मैंने, वो ये गाड़ी यहाँ खड़ी है, दूसरी गाड़ी उधर खड़ी है, ऐसी खड़ी है दोनों दूर दूर। तो चलता हूँ अभी मैं अंदर और कपड़े वगैरह रखते हैं, थोड़ी देर तक लाऊँगा, 3:30 हो गया, आधे घंटे तक लाऊँगा, फिर 4 बजे, तो उसके बाद फिर चलते हैं और देखना। जो पीछे उस दिन काम चल रहा था ना, उन्होंने छोड़ के चले गए बस, रेता बजरी गिर गए, रेता बजरी गिर गए और काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों इतनी थी गाड़ी अंदर करती थी, गाड़ी भी बाहर ही करती हैं। तो मैं फटाफट नहाता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। और भाई सब सो रहे हैं अंदर, मम्मी पापा भी सो रहे हैं, इधर भैया भी सो रहे हैं, भैया आए हुए हैं, भैया भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं भाई, मैं अकेले कमरे में, दोपहर में नींद नहीं आती है यार, तो मैं भी क्या करूँ, दोपहर में सो लूँ तो रात को नींद नहीं आती मेरे को,
तो वैसे भी अगर एक बार सो लूँ ना दोपहर में दो मिनट बाद आता हूँ, अगर मैं एक बार मतलब कि सो लूँ ना दोपहर में तो सारा दिन मेरा बेकार जाता है, सुस्ती सुस्ती बड़ी जाती है दोपहर में सो के, तो करके मैं ज़्यादातर सोता नहीं हूँ। और वीडियो लंबी हो रही है, तीन मिनट की बन चुकी है, लगातार बोल रहा हूँ, बस ऐसा ही है कि बोलता रहूँ लेकिन मुझे कभी घर पे टॉपिक ही नहीं मिलता कुछ बोलने के लिए, तो मैं बोर था हो रहा था, थोड़ी देर फोन चलाया, खाना वगैरह खाया, उसके बाद फिर आ गया वीडियो बनाने बाहर को, तो बस अब जो दिमाग में आ रहा वही बोले जा रहा हूँ, कोई सेंस तो है नहीं बात का। तो मैं गाइस मिलता हूँ आपको सीधा जाते हुए भाई नहा के। तो गाइस फाइनली नहा चुका हूँ और नहाने के बाद अब जा रहा हूँ इंस्टीट्यूट। सर मैं रोज़ ऐसे ही बोलता हूँ जा रहा हूँ नहा रहा हूँ ये वो, तो बस निकल चुका हूँ, बस यही बताना था। और 4:45 पे निकला हूँ, तो चलते हैं फटाफट, 5 मिनट ही हैं, 10 मिनट तक लगते हैं, तो 5 मिनट शायद लेट होऊंगा मैं, तो कोई नहीं चलते हैं फटाफट और उसके बाद फिर देखते हैं वीडियो किस चीज़ की बनती है। मेरे को ज़्यादा टॉपिक ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है रोज़ रोज़ ना, लेकिन ढूंढूंगा मैं, बनाऊंगा भी और डेली बनाऊंगा मैं तो हाँ बस फटाफट जा रहा हूँ। तो गाइस अभी जा रहा हूँ और पहुँचने वाला हूँ, तो गर्मी तो हो ही रही है, तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मन किया कैमरा ऑन करके बोलने का कि यहाँ पहुँच गया मैं ये क्या हुआ ऐसे तो सीधा बस जाते हुए दिखा देता हूँ अंदर। और अभी भी मैं कुछ ऐसी बकवास ही कर रहा हूँ, कुछ टॉप बोलने का है नहीं टॉपिक वगैरह, तो मेरा मन कर रहा था कि कैमरे के सामने कुछ बोलूँ, तो बस यार। और यार मैं बैक कैमरे से अगर रिकॉर्ड करता हूँ ना तो यार साफ नहीं आती, पता नहीं क्यों, फ्रंट से इतनी मस्त क्वालिटी आती है, चाहे दिन में करो रात में करो, लेकिन बैक से थोड़े यार पिक्सल से फटते हैं, अब इसमें पता नहीं फट रहे होंगे या नहीं, वो तो एडिटिंग करते भी पता चलते हैं। तो चलो कोई नहीं यार चलते हूँ फटाफट, 2 बज रही सीधे मत्थे में पहुँचने वालों, बस पहुँच ही गया तो चलता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट से घर पे आ चुका हूँ यार, तो अभी बज रहे हैं 6:40, तो अभी का सीन कुछ ऐसा गाइस, तो अभी मुझको जाना है मेरे को भैया को और पापा को, जहाँ पे दूसरी गाड़ी लगानी है ना कोरियर में, उसको वहाँ पे बातचीत करने जाना है, तो अभी तक पापा उन्हें वेट ही कर रहे थे मेरी, तो मैं भी आ गया हूँ और अभी जाएंगे हम बात करने मैं पापा भैया, तो चलते हैं। तो सीधा वहाँ से आते हुए वीडियो नहीं बनाई, आपको पता ही है यार, तो चलते हैं अभी थोड़ी देर तक। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं, तो अभी तो गाड़ी के शोर आ रहा होगा, तो निकल चुके हैं अभी। सो गाइस फाइनली बात हो चुकी है, वो वहाँ पे फैक्ट्री थी जहाँ वो पिकअप खड़ी है ना उधर थी, और बात हो चुकी है, थोड़ी देर हुआ था तो उन्होंने पता नहीं कितने बजे मंगाया है, ये मुझे इतना समझ नहीं आया, मैं आपको बाद में बताऊंगा सब कुछ। और भी बजा रहे हैं तो गाड़ी गुड़ी आ जाएगी, तो मैं घर जाके मिलता हूँ आपसे, तो घर पर जाके आपको सब कुछ बताता हूँ, अकेले में जाके मतलब कि जब शोर शोर नहीं होगा ना फिर बताऊँगा मैं आपको क्या बात हुई है, अभी मेरे को कुछ कन्फर्म नहीं है, तो हाँ अभी बस जाते हैं घर। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ, और आकर मैंने एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यार बहुत लेट हो गए थे वहाँ से, क्योंकि यार पापा वहीं कहीं और चले गए हैं बात वगैरह करने उनसे, तो भैया और मैं ही लेके आए थे गाड़ी, तो वहाँ तो मेरे ख्याल से 8 बजे आए थे, तो अभी लगभग बज रहे हैं 9:30, तो आके खाना वगैरह खाया फटाफट, उसके बाद लग गया एडिटिंग में, तो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरी, बस ये इसको वेंट करता हूँ, कुछ खास था नहीं लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, तो डेली का बना दिया, मतलब कि जो डेली होता है, तो कोई टाइटल वीडियो तो मिला नहीं अब तक, देखते हैं क्या डालना है, पर आइयो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और नया आया सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं गाइस कल एक और नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।